जा बैठा। तू मेरा ही मेरा ही है, खुद नूला रे जा बैठा। रोम रोम खाली है मेरे सारे ख्वाब जाली है। फिर चलो इस टाइम जी हम पहुंच गए हैं टोली पीर और ये हमारी बस है और ये पूरा जो है ग्रुप है तैयार हो गए हैं और यहाँ पर जो है ना ये बाइकर्स का भी ग्रुप आया हुआ है आप देख सकते हैं। और एक खूबसूरत चीज़ आपको दिखाऊं, ये देखें जी सामने बर्फ़ के पहाड़ आपको नज़र आ रहे होंगे। अभी हमने इधर से हाइक स्टार्ट करनी है और ऊपर जाना है, हाइक भी आपको दिखाएँगे। इस्लामाबाद टू टोली पीर मेरे ख्याल से यही नाम है, इस बस में हम लोग आए हैं और अभी चलना है ऊपर। हाइक होगी जी शुरू। रेहान साहब चलो जी, क्या कहना चाहेंगे? बूथ कहना चाहूंगा, अभी तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा। इधर दीदार तो कराएं अपना, अभी ऊपर जाके इधर एक्सपीरियंस फिर शेयर करेंगे। रेहान साहब ऐसा गाइड ऊपर जा रहे हैं, मैं उनके पीछे पीछे जा रहा हूँ और पीछे बिल्कुल पूरा ग्रुप जो है वो स्लो स्लो स्लो। ये जी इधर आके जो है ब्रेक लग गई है और जाना हमने इस स्टॉप के ऊपर। पीछे भी कह रहे हैं कि जी इस पूरे ग्रुप को जो है इकट्ठा करना है, इकट्ठा करने के बाद जो है ना हम लोगों ने ऊपर जाना है और अभी इंतज़ार हो रहा है। आराम 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 से। मेरा ग्रुप जो है ना वो जी पीछे रह गया, मेरा क्या ग्रुप है जी, उनका ग्रुप जो है पीछे रह गया और ये है ग्रुप। मैंने कहा हम चलते हैं आगे और आपको साथ साथ व्यू भी दिखाते हैं ताकि मेरे व्यूअर्स जो हैं उनका दिल खुश हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पर यार खूबसूरत जगह है माशाल्लाह, ये देखें बहुत खूबसूरत जगह है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा सांस चढ़ता है लेकिन इधर कोशिश करें कि ना आप लोग छोटी पानी की बोतल साथ रखें ताकि टाइम टू टाइम वक्फे से आप जो है पानी पी सकें। ये एक टॉप पे मैं पहुंचा हूँ, ये देखें माशाल्लाह जी बहुत खूबसूरत। ये देखें हल्की हल्की बर्फ़ है और ये सामने आप देख रहे हैं कश्मीर जो कि बहुत मशहूर है अपनी खूबसूरती को लेके। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम व्लॉग बना रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा ढीला मट्ठा बोल रहा हूँ। इंशाल्लाह जब स्टार्ट होगा तब बेहतरीन किस्म का डेली आपके साथ वीडियो शेयर्स भी होंगी। अब ज्वाइन रखिएगा। ये आप देखें यहाँ कोई कैंपिंग है, यहाँ पे लोगों ने कैंप लगाए, नाइट स्टे भी होता है यहाँ पे ना, कैंप शैम्प भी होते हैं। द ब्यूटी माशाल्लाह। देख सकते हैं आप ये कैंपिंग है, ये बर्फ़ वो बर्फ़। और मैं चाह रहा हूँ हल्की हल्की थकावट हो रही है लेकिन सुभान अल्लाह खूबसूरती देख के ख़त्म, सारी थकावट दूर बिल्कुल दूर एंड बिल्कुल। ये देखिए जी ये आपको टूटी फूटी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जिसके थ्रू जो है ऊपर जाना है और
व्यू अगर आपको दिखाऊं ना मैं, तो एक एंड किस्म का। और रेहान लोग ये, और मैं शायद बहुत ही आगे पहुंच गया हूँ, लेकिन खूबसूरती माशाल्लाह बहुत प्यारी। टोली पीर जगह का नाम है, और आप लोग भी ज़रूर आए। अभी कैमरा बंद करता हूँ, फोकस चढ़ने पे रखता हूँ, ऐसे ना हो के इधर से स्लिप मार जाऊँ। अच्छा, बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, वो ये कि जब आप ये ट्रैल के ऊपर चढ़े ना, इस तरह ये है रोड पे ना बर्फ़ गिरी हुई है, ये जो उन्होंने ट्रैक बनाया हुआ है जिस तरह ये गिरी हुई है, यहाँ पे बहुत पैर संभाल के, पैर स्लिप हो सकता है, अल्लाह अपने हिफ्ज़-ए-अमान में रखे, बट बी केयरफुल। फाइनली जी पहुँचा हूँ टॉप पे, और रेहान वगैरह भी वो हैं, मैं पहुंच गया जी टॉप पे। इधर कर रहा हूँ जी अपने व्लॉग को एंड, बाकी पार्ट आपके साथ बाद में शेयर करूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जिन जिन लोगों ने अभी तक danialshah.com सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी 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 से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। आपके लिए इतनी मेहनत करके आया हूँ यार, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे मामू की दुआ मगफरत ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।